तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि हार्बीबोरस किसे कहते हैं। देखिए, हार्बीबोरस एक एनिमल होते हैं जो हमेशा प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। और हार्बीबोरस का जो साइज होता है हमेशा क्या होता है, फिक्स नहीं होता, ये हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हार्बीबोरस वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, ठीक है। तो लार्ज में क्या आ जाएगा, जिराफ आ जाएगा, और स्मॉल में क्या आएगा, बक्स आएगा, ठीक है। यहाँ भेरी का मतलब हो गया क्या होता है, बदलना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि हार्बीबोरस वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि हार्बीबोरस किससे कहते हैं। तो हार्बीबोरस क्या है, एक एनिमल है, ठीक है, जो हमेशा प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। इनका भोजन क्या होता है, प्लांट्स। हार्बीबोरस को हम लोग हिंदी में दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जो हमेशा प्लांट्स को ही अपना भोजन लेते हैं, ठीक है, यानी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ईच फूड चेन कंसिस्ट ऑफ सेवरल ट्रॉफिक लेवल, जो ईच जो फूड चेन होता है ये कई ट्रॉफिक लेवल से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर कहा गया, विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म रोल इन एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम में जो फूड चेन जो होते हैं, उस फूड चेन में जो जीव जंतु होते हैं, उस जीव जंतु का इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर का जो रोल होता है, वही यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल के बात बात के तौर पर यहाँ बताया गया है, ठीक है। देखिए, हार्बीबोरस क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि दे ऑक्यूपाई सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं, और उनका भोजन क्या होता है, ईट प्रोड्यूसर्स, ठीक है, वो हमेशा प्रोड्यूसर्स को ही अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आता है एक टर्म कि प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रोड्यूसर हम उन्हें कहेंगे जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, यानी उन्हें भोजन भोजन लेने के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा और कीमोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन खुद से बनाते हैं और ग्रहण करते हैं, ठीक है। वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, वे इंडिपेंडेंट जीव जंतु होते हैं, ठीक है। तो अब समझ गए कि हार्बीबोरस किससे कहते हैं। तो हार्बीबोरस इन एनिमल दैट मेनली इट्स प्लांट्स, जो हमेशा प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। और इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, शाकाहारी जीव जंतु कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर एक टर्म आता है कि हार्बीबोरस आर प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर में इन्हें क्यों रखा गया है, ठीक है, इन्हें फुली डिटेल से जानते हैं। तो पहले हम लोग कंज्यूमर को तो जानते हैं। देखिए, कंज्यूमर जो होते हैं, ये इनका तीन पार्ट होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, एक टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर में तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइमरी कंज्यूमर आर हार्बीबोरस, ठीक है। जो प्राइमरी कंज्यूमर हार्बीबोरस होते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर में कौन सा एग्जांपल है, जीव जंतु का एग्जांपल क्या होता है, कैटरपिलर, इंसेक्ट, ग्रास होपर, टर्माइट्स एंड हमिंग बर्ड्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज दे ओनली ईट ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ये हमेशा ऑटोट्रॉप्स को ही भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हार्बीबोरस जो होते हैं, इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर में रखा गया क्योंकि ये हमेशा प्लांट्स को ही अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर दूसरा सब पार्ट हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। देखिए, सेकेंडरी कंज्यूमर में कार्निबोरस आ जाएगा, ओमनीबोरस आ जाएगा। तो कार्निबोरस किसे कहते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, यानी हार्बीबोरस एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, ये मांसाहार होते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर में ओमनीबोरस को भी रखा गया। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। ये देखिए, ये प्लांट्स ओमनीबोरस जो होते हैं, वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को खाते हैं, ये दोनों को अपना भोजन बनाते हैं। और टर्सरी कंज्यूमर में क्या आ जाता है इसका, ये एपेक्स प्रीडेटर आ जाते हैं, ठीक है। असल ये होगी कि प्राइमरी कंज्यूमर किससे कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, और टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो हार्बीबोरस को हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर में रखा गया, ठीक है। क्यों रखा गया, क्योंकि ये प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए देखिए, हार्बीबोरस चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता फ्रगीबोरस, ठीक है, जो हमेशा फ्रूट्स को खाते हैं। इनका एग्जांपल क्या होगा, फ्लाइंग फॉक्सेस एंड फ्रूट्स बैट्स आर सम एग्जांपल ऑफ फ्रगीबोरस, ठीक है। एक होता है ग्रानीबोरस, जो ग्रानीबोरस जो होते हैं ये सीड्स को खाते हैं, ठीक है। ये ग्रानीबोरस में पिजोन आ जाते हैं, पिजोन का एग्जांपल है ग्रानीबोरस। एक आते हैं थर्ड में फॉलीबोरस, फॉलीबोरस में जो जीव जंतु लीव्स को खाते हैं, यानी पत्ते को खाते हैं, पत्तियां को जो खाते हैं, वो उन्हें हम फॉलीबोरस कहेंगे, ठीक है। तो फॉलीबोरस में का एग्जांपल पांडा हो जाएगा, कैटरपिलर्स हो जाएगा, जिराफ हो जाएगा, क्वाड्रोपोड्स
स्पॉयलर्स हो गए, ठीक है, ये हमेशा फॉलीबोर्स में आते हैं, ठीक है। एक आते हैं नेक्टर, नेक्टरी बोर्स, ठीक है, जो हमेशा नेक्टर को खाते हैं, ठीक है, और इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बटरफ्लाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हार्वी बोरस कितने टाइप्स के होते हैं, हार्वी बोरस 4 टाइप्स के होते हैं, फ्रगी बोर्स, ग्रानी बोर्स, फॉली बोर्स एंड नेक्टर नेक्टरी बोर्स, ठीक है। अब आते फोर्थ स्लाइड में, देखिए हार्वी बोर्स क्या होते हैं, तो हार्वी बोर्स इन एनिमल्स एंड द फूड चेन, ठीक है। हार्वी बोर्स एनिमल ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक एनर्जी इन ट्रॉपिक्स सिस्टम, ठीक है। ये हार्वी बोर्स जो एनिमल्स होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, किस में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रॉपिक सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया, दे आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, इसीलिए उनको प्राइमरी कंज्यूमर में कहा गया है, ठीक है। और क्यों कहा गया है प्राइमरी कंज्यूमर में, तो इसका यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, द हार्वी बोर्स एनिमल ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक एनर्जी इन द ट्रॉपिक सिस्टम, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक एनर्जी जो होते हैं, ये ट्रॉपिक सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर कहा गया। इनका एग्जांपल ये भी हो सकता है, बट नॉट ऑल एनर्जी प्रेजेंट इन प्लांट्स विल बी ट्रांसपोर्ट टू हार्वी बोर्स, ठीक है, ठीक है। जो पूरा एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बट नॉट ऑल द प्रेजेंट इन द प्लांट्स विल बी ट्रांसपोर्ट टू द हार्वी बोर्स, ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट टू द प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर में ऐसा 10% का ही एनर्जी हो ट्रांसफ़र हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए दैट्स वाई द नंबर ऑफ हार्वी बोर्स एनिमल इज लेस देन द नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ऑन द अर्थ। देखिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ लिखा हुआ कि जो हार्वी बोरस की जो एनिमल्स होते हैं, उनकी संख्या प्लांट से कम होता है, हमेशा प्लांट से, ये हमेशा एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है, ठीक है, ये आपको हमेशा नोट करके रखना पड़ेगा। देखिए नंबर ऑफ हार्वी बोर्स एनिमल्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ अर्थ, जो हार्वी बोर्स एनिमल्स जो होते हैं, इनका संख्या हमेशा प्लांट से कम होगा। क्यों कम होता है, क्योंकि इन जीव जंतुओं को खाने के लिए जो अपना भोजन जो लेते हैं, ये हमेशा प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं, इसलिए हमेशा प्लांट की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, और हार्वीबोर्स की संख्या कम होती है। अब इसी तरह देखिए द नंबर ऑफ कार्निवोरस एनिमल इज लेस देन हार्वीबोरस ऑन अर्थ, जो कार्निवोरस का जो संख्या है, यानी कार्निवोरस क्या होते हैं, वो हमेशा एनिमल्स होते हैं, इनकी संख्या हमेशा हार्वीबोरस से कम होती है, ठीक है। क्यों कम होती है, क्योंकि कार्निवोरस की संख्या इसलिए कम होती है कि हार्वीबोरस की संख्या ज़्यादा रहे, यदि कार्निवोरस की संख्या ज़्यादा हो जाती है, हार्वीबोरस की संख्या नहीं रह पाएगी, ठीक है, इसलिए हमेशा इनकी संख्या हमेशा कार्निवोरस की कम होती है एज कम्पेयर हार्वीबोरस, ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीडेटर, जो हार्वी बोरस एनिमल होते हैज सेवरल एडप्टेशन, ठीक है, ये हमेशा देखिए हार्वी बोरस जो एनिमल होता है, हमेशा अपने आप को अनुकूलित करते रहते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं बचने के लिए, ठीक है, किससे बचने के लिए, प्रीडेटर्स से बचने के लिए। अब प्रीडेटर्स किसे कहते हैं, देखो प्रीडेटर्स उन्हें कहते हैं जो हंट करते हैं, जो शिकारी करते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं, उन्हें हम प्रीडेटर्स के तौर पर जानते हैं, ये हमेशा टर्सरी कंज्यूमर में आते हैं, ठीक है। देखिए टर्टल्स हैव हार्ड सेल्स, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट प्रीडेटर्स, ठीक है, ये हमेशा देखिए अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को एक कवच बना लिया टर्टल्स, ठीक है। मिलीपीड्स कर्ल्स इन इट सेल्फ इन द शेप ऑफ बॉल्स, रिलीज एन नॉक्सस सब्सटेंस दैट कॉजेस इरिटेशन इन द आईज एंड स्केल्स, ठीक है। ये मिलीपेड जो होते हैं हमेशा क्या रिलीज़ करते रहते हैं, नॉक्सस सब्सटेंस को रिलीज़ करते थे, जिसके कारण आँख में और स्किन में हमेशा इरिटेशन जनरेट होने लगते हैं। देखिए अ फ्यू हार्वीबोरस चेंजेस देयर कलर, जो कुछ ऐसे हार्वीबोरस होते हैं जो अपने स्किन को कलर को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है, अपने आस पास से बचने के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए डाइजेशन इन हार्वीबोरस एनिमल, देखिए ये हार्वीबोरस एनिमल हैव ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ, जो हार्वीबोरस के जो एनिमल्स होते हैं उनके देखिए ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ होते हैं, फ्लैट
डेट हेल्प टू ग्रिंड सेल वॉल ऑफ टफ एंड फाइबरस प्लांट्स, ठीक है, ये हमेशा उनको चबाने के लिए मदद करते हैं, ठीक है, टफ और फाइबरस प्लांट्स को, ठीक है। दे डू नॉट कंटेन द एंजाइम्स, ठीक है, उनके जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं किस लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, उनके पास देखिए एंजाइम्स नहीं होते हैं तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया दे डो नॉट कंटेन द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज, देयर फॉर डाइजेस्ट द प्लांट्स इन आइदर ऑफ द टू वेज, वे हमेशा दो तरीके से अपने भोजन को पचाते हैं, तेरा पहला होता है फॉरगट फर्मेंटेशन और दूसरा होता है हिंड गट फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फॉरगट फर्मेंटेशन में क्या होता है, देखिए इन दिस द बैक्टीरिया प्रोसेस द फूड एंड ब्रेक इट डाउन बिफोर इट डाइजेस्ट, ठीक है, ये देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोसेस करते हैं फूड को, ठीक है, फूड को प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, इन्हें तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, फिर बाद में से क्या कहता है किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। इन एनिमल्स स्टमक सच एनिमल्स हैव सेवरल चैम्बर, जो एनिमल्स के जो स्टमक होते हैं उनके अंदर कई तरह के चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है सच एनिमल्स हैव सेवरल चैम्बर्स इन द स्टमक, ठीक है, दिस सेपरेट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द एसिड सेक्रेटिंग, ठीक है, जो देखिए इस एनिमल में कई तरह के चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, जब ये प्लांट्स को ईट करते हैं उनके साथ साथ कई बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया आने के बाद क्या होते हैं उनके पेट के अंदर इस तरह के ऑर्गेन होते हैं जो एसिड को क्या करते हैं रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करने पर क्या होता है जो कि भोजन करते समय जो कई तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं एसिड रिलीज होने पर इन सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं मर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया है दिस सेपरेट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द एसिड सेक्रेटिंग पार्ट्स ऑफ द स्टमक एंड प्रोलॉन्ग्स डाइजेशन, ठीक है, इट गेट्स एम्पल टाइम फॉर द प्रोसेसिंग, दीज हार्बिवोरस एनिमल्स आर नोन एज रियूमिनेट्स जाने जाते हैं, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं हमेशा क्या जाने जाते हैं रियूमिनेट्स के तौर पर जाने जाते हैं, काओ कंगारूज इट इज फॉल अंडर द दिस कैटेगरी, हिंद गट फर्मेंटेशन में क्या होता है दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द लेटर पार्ट ऑफ द गट वेयर द फूड इज प्रोसेस आर ब्रोकन डाउन द आफ्टर द डाइजेशन, हॉर्स एलिफेंट्स एंड जेब्रा यूज द हिंद गट फर्मेंटेशन, ठीक है, देखिए हिंद गट फर्मेंटेशन में क्या होता है कि इन द लेटर पार्ट बट गट वेयर द फूड प्रोसेस आर ब्रोकन डाउन आफ्टर द डाइजेशन, देखिए इस तरह का प्रोसेस में जो होता है भोजन पचने के लिए पहले क्या होता है डाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या होता है डाइजेशन हो जाते हैं, डाइजेशन के बाद क्या होता है इनके जो फूड जो होता है छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पर क्या होते हैं टूटने लगते हैं ऐसा, ठीक है, पहले डाइजेशन होता है डाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या होता है फूड टूटता है, ये हॉर्स एलिफेंट और जेब्रा सभी के सभी ये क्या है हिंड गट फर्मेंटेशन के एग्जाम्पल हैं। अब आते देखिए व्हाट आर हार्बिवोरस एनिमल, यहाँ पे एक एग्जांपल आ जाएगा कि हार्बिवोरस एनिमल्स किसे कहेंगे, ठीक है, यदि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हार्बिवोरस एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो हमेशा प्लांट्स और फ्रूट्स को खाते हैं ये हमेशा हार्बिवोरस के एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं, तो इनका एग्जाम्पल काउज हो जाएगा बफेलोज हो जाएगा गोट्स हो जाएगा डियर हो जाएगा आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल हार्बिवोरस एग्जाम्पल हार्बिवोरस एनिमल्स दैट फीड ऑन फ्रूट्स आर कॉल्ड फ्रगीबोरस, जो हार्बिवोरस एनिमल्स होते हैं जो हमेशा फ्रूट्स को खाते हैं हमेशा फ्रगीबोरस कहेंगे, दैट फीड ऑन लीव्स आर द फॉलीवर्स, जो हमेशा पत्ते के खाएंगे वो हमें फॉलीबोरस कहा जाएगा, जो नेक्टर का खाएंगे नेक्टिवोरस कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्हाट फीचर्स ऑफ हार्बिवोरस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जांपल द हार्बिवोरस एनिमल्स हैव सेवरल चैम्बर्स, ठीक है, हार्बिवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेवरल चैम्बर्स होते हैं पेट में और सेल्यूलोज प्रेजेंट इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में क्या होता है सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, ठीक है, जो प्लांट्स में क्या होते हैं सेल्यूलोज होते हैं
और इन्हें पचाने के लिए क्या होता है, बहुत दिक्कत होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर कहा गया है लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्बीबोरस गिव्स एम्पल टाइम टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डाइजेस्ट सेलुलोज। ठीक है, तो इस वीडियो का अंत यहीं पर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।